बिजनेस के विवाद में दोस्त बने हैवान, पार्टनर को 30 टुकड़ों में काट कर जमीन में दफनाया। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बिजनेस में हुए विवाद ने मेरठ में एक युवक के दोस्तों को हैवान बना दिया। 34 वर्षीय शख्स के बिजनेस पार्टनर ने ही उसे मारकर उसके शरीर के 30 टुकड़े किए और बंजर जमीन में ले जाकर दफना दिया। दरअसल खबर मेरठ की है, जहां मेरठ में बीते 18 मार्च को लापता हुए 34 वर्षीय मोहम्मद इरफान की कथित तौर पर उसके बिजनेस पार्टनर और दोस्तों ने गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में उसके शव को 30 टुकड़ों में काटकर बुलंदशहर हापुड़ टोल प्लाजा के पास एक बंजर भूमि में दबा दिया गया था। सोमवार को हापुड़ पुलिस ने शव को खोदकर निकाला और उसके बचपन के दोस्त और बिजनेस पार्टनर मोहम्मद रागी और एक दोस्त मोहम्मद आकिब को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में एक दोस्त माजिद अली फरार है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने दावा किया कि पैसे के विवाद को लेकर इरफान की उसके दोस्तों ने हत्या कर दी थी। टोल प्लाजा के पास फास्टैग बेचने वाली अपनी दुकान से घर नहीं लौटने पर इरफान के परिवार ने उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उसके दोस्त रागीब, जो टोल प्लाजा के पास एक रेस्टोरेंट भी चलाता है, ने इरफान के बिजनेस में पैसा लगाया और उनके साथ पार्टनर के तौर पर जुड़ गया। दोनों ने मोहम्मद आकिब को उनकी अनुपस्थिति में दुकान की देखरेख करने के लिए काम पर रखा था। बाद में जब रागीब ने व्यवसाय में एक बड़ा हिस्सा मांगा जिसे इरफान ने शुरू किया था, तभी दोनों पार्टनर के बीच कुछ विवाद पैदा हो गया। रागीब ने इरफान से कहा कि वह फास्टैग की दुकान को सौंप दे या उसके द्वारा लगाए गए पैसे वापस कर दे। इरफान के मना करने पर रागीब ने उसे मारने का फैसला किया। हापुड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP दीपक भुकुल ने कहा कि इरफान के परिवार ने हमें बताया कि उसे आखिरी बार रागीब और आकिब के साथ देखा गया था। जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उन्होंने शुरू में पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें पकड़ लिया गया। उन्होंने कहा कि उनके बयानों में विरोधाभास था। उनके कॉल डिटेल से पता चलता है कि जिस रात वह लापता हुआ था उस रात वे लगातार उसके संपर्क में थे। लगातार पूछताछ के दौरान वे अंत में मान गए और इरफान को मारने की बात स्वीकार कर ली। SSP ने बताया कि हमने शरीर के अंगों को खोदने के लिए एक JCB मशीन का इस्तेमाल किया क्योंकि ये मिट्टी में गहरे दबे हुए थे। वहीं रागीब और आकिब को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके साथी माजिद अली की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।